सौतेली चिड़िया माँ का प्यार। एक सुंदर और घने से जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के पति का मृत्यु कुछ साल पहले ही हो गया था। वो अपना गुजारा करने के लिए जंगल में फल बेचने का काम करती थी। टूनी चिड़िया के पास एक भी बच्ची नहीं थे, जिससे टूनी चिड़िया बहुत उदास रहती थी। टूनी चिड़िया जंगल में घूम घूम कर फल बेचने का काम करती थी, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। फिर एक दिन जब टूनी चिड़िया जंगल में फल बेचने के लिए जा रही थी, तब उसे किसी बच्चे का आवाज़ सुनाई देता है, जिसे सुनकर टूनी कहती है, अरे ये तो किसी बच्चे की आवाज़ है, लगता है कोई बच्चा मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया बच्चे को ढूंढने लगती है। जब वह थोड़ी दूर आगे जाती है, तब उसे एक गौरैया का बच्चा दिखाई देता है। वो जमीन पर पड़ा रो रहा था। तब टूनी चिड़िया उसके पास जाती है। हे भगवान, इस छोटे से बच्चे को यहाँ पर छोड़कर कौन चला गया? ये बच्चा कितना रो रहा है, आ जाओ बच्चे मेरे पास आ जाओ। तुम रो मत बच्चे, आज से तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करूँगी, आज से तुम्हारा नाम छोटू रहेगा। भगवान, ये तुम्हारी कैसी लीला है, आज तुमने मुझे एक प्यारा सा बेटा दे दिया है। मैं गरीब तो हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे को जरूर पढ़ाऊँगी, मैं इसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूँगी। फिर उस दिन से टूनी चिड़िया छोटू का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है। दिन बीतने के साथ अब छोटू चिड़िया बड़ा हो रहा था। उसकी देखभाल करने के लिए टूनी दिन रात मेहनत करने लगती है। फिर एक दिन शाम को छोटू टूनी से कहता है, माँ मेरे साथ के बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं और टीचर ने बोला है कि 2000 रुपये जमा कर दो, लेकिन माँ आपके पास तो पैसे ही नहीं है, आप कहाँ से पैसे दोगी? छोटू बेटा, तू चिंता क्यों करता है, सभी बच्चों के साथ तू भी पिकनिक पर जाएगा, मैं कैसे भी करके तुम्हें 2000 रुपये जरूर दे दूंगी। टूनी छोटू को पिकनिक पर जाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करने लगती है। वो शाम होने से पहले ही जंगल से फल तोड़कर ला देती थी और अगले दिन सुबह सुबह ही फल बेचने के लिए चल देती थी। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो, मालकिन फल ले लीजिए, बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। अरे फल बेचने वाली, तुम ये आम कितने रुपए किलो दे रही हो? मालकिन, ये आम 80 रुपए किलो है, आप चाहे तो 70 में ले सकती हैं। अच्छा ठीक है, तुम मुझे 2 किलो आम दे दो। इसी तरह से कड़ी मेहनत करके टूनी दिन रात फल बेचने का काम करती थी, ताकि वो छोटू के लिए पैसा इकट्ठा कर सके। कुछ ही दिनों में टूनी के पास 2000 रुपये हो जाते हैं। तब टूनी छोटू से कहती है, छोटू बेटा ये लो 2000 रुपये, कल स्कूल जाकर अपनी टीचर को ये पैसे दे देना और तुम भी पिकनिक पर सभी बच्चों के साथ जाना। माँ आप बहुत अच्छी हो, आपने बहुत मेहनत करके मुझे ये पैसे दिए हैं। हाँ छोटू बेटा, मैं तुम्हें बहुत मेहनत से पैसे दे रही हूँ, तुम वहाँ पर जाकर अच्छे से रहना और अपना ध्यान भी रखना। टूनी की बात सुनकर छोटू बहुत खुश हो जाता है। छोटू को खुश देखकर टूनी भी बहुत खुश हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब छोटू बड़ा हो गया था। छोटू बेटा, तुमने शहर जाने की सारी तैयारियां कर ली? हाँ माँ, मैंने शहर जाने की पूरी तैयारी कर ली है, बस मुझे कल सुबह ही शहर के लिए निकलना है। जब मेरी वहाँ पर नौकरी लग जाएगी तो मैं आपको भी रहने के लिए बुला लूँगा। फिर कुछ ही दिनों के बाद छोटू के शहर में नौकरी लग जाती है, लेकिन इधर बेचारी टूनी बहुत उदास रहने लगी थी। छोटू की शहर में नौकरी लग जाने की वजह से छोटू अपने काम में व्यस्त हो जाता है, जिससे बेचारी टूनी बहुत उदास रहने लगी थी। फिर एक दिन टूनी सोना से कहती है, सोना बहन, मेरे बेटे छोटू का शहर से कॉल आया था क्या? मैंने उसे आपका ही नंबर दिया था। नहीं नहीं टूनी, छोटू का एक दिन भी फोन नहीं आया था, अगर उसका फोन आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। सोना की बात सुनकर टूनी बहुत उदास हो जाती है
और वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। तब सोना कहती है, बेचारी टूनी हर रोज मेरे घर पर आती है और उदास होकर चली जाती है। हे भगवान, आजकल के बच्चे भी कैसे हो गए हैं, बड़े होकर अपनी माँ को ही भूल जाते हैं। बेचारी टूनी इतनी मेहनत से फल बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाई और जब उसकी नौकरी लग गई तब वो टूनी को ही भूल गया। क्या आपको लगता है कि छोटू अपनी माँ टूनी को भूल गया है? क्या वो दोबारा लौटकर अपनी माँ टूनी के पास आएगा? प्यारे दोस्तों, आप इसका अगला भाग देखने के लिए इंतजार करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।